प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत जालंधर के हर गोविंद नगर रेरू से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर इलाका वासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आपका ज्ञानवान सुंदर मानस से अश्वा करें दिव्य गांठ धन भी जाए और फिर नरकों में भी जाना पड़े, अभिलष भी हो, परिवार में भी सुख शांति ना हो, क्योंकि राक्षसी खान पान है और जहाँ वो है तो वहाँ रावण की तरह सोने की लंका रखो ना हो जाए और उससे सुख शांति नहीं रहती। सुख शांति तो रहती है जहाँ साधुओं की खाना पीना साधुओं की भोजन है और भगवान की माँ की भक्ति है, समाज देश राष्ट्र के प्रति प्रेम है, गौ माता के प्रति प्रेम है, वहाँ सुख शांति। महापुरुष ने कहा है चार वेद से शास्त्र में बात लिखी है, तुम्हें सुख दिए सुख होत है दुख दिए, इसलिए व्यवसाय भी करें, रोजी रोटी कमाना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है।